तो आपको बता दें कि बीते 4 से 5 दिनों से मलेशिया के पाम तेल बाजार में दिख रही गिरावट अब खत्म होते दिखी है। दरअसल 28 अप्रैल से विश्व के सबसे बड़े पाम उत्पादक देश इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था और इंडोनेशिया की सरकार ने कहा है कि वहां के घरेलू बाजार में कीमतें सामान्य नहीं होने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसे में अभी प्रतिबंध कुछ दिनों तक और जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। शिकागो सोयाबीन वायदा भी मजबूत हुआ है। इधर भारत में गुजरात के प्लांटों में मूंगफली तेल का स्टॉक बढ़ने से और ग्राहकी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने की वजह से वहां कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में भी मूंगफली तेल की आवक बढ़ रही है, जबकि मांग कम होने से उसके दाम 10 रुपये टूटकर नीचे में 1610 और ऊपर में 1630 रुपये प्रति 10 किलो रह गए। पिछले 3 दिन में मूंगफली तेल करीब 30 रुपये प्रति 10 किलो टूट चुका है। इधर सोया तेल में वैवाहिक डिमांड का दबाव बढ़ने और सप्लाई टाइट होने के कारण इसके भाव में आंशिक सुधार रहा। सोया तेल इंदौर 5 रुपये सुधर कर 1575 रुपये प्रति क्विंटल प्रति 10 किलो रहा। वहीं पाम तेल इंदौर 1660 रुपये प्रति 10 किलो बोला गया। प्रोजेक्शन 127+ और KLC 147+ बताई गई थी। इससे भी सोया तेल की तेजी को सपोर्ट मिला है। आपको बता दें कि जब इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन पर ढील देगा और यूक्रेन का युद्ध का हल निकलता है तो KLC जून तक 5000 के लेवल और सितंबर तक 4000 के लेवल तक गिर जाएगी। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ऑयल दुबई कॉन्फ्रेंस में सी यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी के अध्यक्ष बीवी मेहता ने कहा कि ऊंची कीमतों के कारण भारत का तेलों का इंपोर्ट लगातार 3रे साल कम रहना चाहिए। लोकल तिलहनों का उत्पादन बढ़ने से 15 लाख टन तेलों का उत्पादन बढ़ सकता है। तो यानी कि पाम तेल मलेशिया और इंडोनेशिया में वहां पर तेजी देखी जा रही है, क्योंकि वहां जो ऑलरेडी जो वैश्विक सप्लाई है इस तेल की वो टाइट है और इसका असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ा है और अभी हाल फिलहाल में जो बाजार है वो ऐसे ही रह सकता है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।